मनोहर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वह रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। मनोहर के दो बच्चे थे। दोनों बच्चे बड़े ही शैतान थे। बड़े बेटे का नाम रॉकी और छोटे बेटे का नाम विक्की था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में रॉकी और विक्की की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात में लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रुथ एंड डेयर खेल रहे थे। रॉकी सोनिया से पूछता है कि तुम ट्रुथ लोगे या डेयर। सोनिया डेयर लेती है। पूछती है कि तुम लोग कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं कहोगे ना। ये हुई ना बात, तो जाओ अब छत पर से घूम करके आओ और छत पर रखे हुए गमले में से फूल तोड़ कर लाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर गई होगी नहीं। सोनिया, छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। रॉकी और विक्की दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए जबरदस्ती बोलते हैं। सोनिया छत पर जाती है। जैसे ही गमले में रखे फूलों की तरफ बढ़ती है, तभी उसकी नजर कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वह देखती है कि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई उल्टी लाश लटक रही होती है। सोनिया उसे देखती है और जोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत पर से नहीं लौटती, तो रॉकी और विक्की दोनों डर जाते हैं। वह छत पर जा करके देखते हैं तो पाते हैं कि सोनिया बेहोश पड़ी है। वे तुरंत मोहन को बुलाते हैं और सारी बातें बताते हैं। तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की क्या जरूरत थी? रॉकी, तुम तो जानते हो कि कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती हैं। फिर भी तुम सोनिया को रात में छत पर जाने के लिए ऐसे कैसे भेज सकते हो? सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई। हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। और फिर कभी दोबारा ऐसा काम किया तो मैं तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ आऊंगा। अच्छा सोनिया बेटा, ये बताओ तुमने वहाँ ऐसा क्या देखा कि तुम बेहोश हो गई? सोनिया सहमी हुई हालत में मनोहर को सारी बात बताती है। उसने ऐसा क्या देखा? मनोहर ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी, इसलिए वह सोनिया को डांटता नहीं है और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन मनोहर को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता। वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर विक्की और रॉकी दोनों आपस में बात करते हैं। विक्की, तुम्हें क्या लगता है सोनिया ने जो कहा वो सच है? मुझे तो लगता है कि वे सिर्फ बातें बना रही है, वे उसका भ्रम भी हो सकता है। विक्की, नहीं भाई, तुमने उसकी हालत नहीं देखी? एक दिन भी और यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई। मुझे लगता है कि उसने सच में कुछ देखा होगा। तो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। भाई, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम ही विक्की के मना करने के बावजूद भी रॉकी नहीं मानता और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चढ़ पड़ता है। कब्रिस्तान का दरवाजा खोलता है तो अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर सोनिया को सर कटी हुई उल्टी लाश दिखी थी। रॉकी उसे खड़े होकर देखता रहता है। तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है। रॉकी डर जाता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ, बचाओ, छोड़ो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मैं कभी नहीं आऊंगा, मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो कि खुली हुई होती है। उसके ऊपर खून लगा हुआ होता है। वह अदृश्य हाथ रॉकी को खींच लेता है और एक कब्र की ओर ढकेलने की कोशिश करने लगता है। रॉकी चिल्लाता है, छोड़ो, छोड़ो, मुझे गलती हो गई, मैं कभी नहीं आऊंगा, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मनोहर काम से पैदल घर पहुंचने वाला ही होता है। जैसे ही वह कब्रिस्तान से गुजरता है, उसे रॉकी की आवाज सुनाई देती है। ये क्या, ये तो रॉकी की आवाज लग रही है, ये तो कब्रिस्तान से आ रही है।
मुझे जाकर देखना चाहिए। मनोहर कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है, लेकिन रॉकी कहीं नहीं दिखाई देता। वह घर लौट आता है और विक्की से पूछता है, रॉकी कहाँ है? पापा, मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी रॉकी ने कब्रिस्तान में जाने की जिद की और वह कब्रिस्तान में चला गया। सोनिया जो कह रही थी वो उसे सच नहीं लग रहा था। हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, आओ घर के मंदिर में शंख में जो जल रखा है वह जल्दी से लेकर आओ, हमें रॉकी को खोजने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। विक्की वो जल लेकर आता है। मनोहर और विक्की कब्रिस्तान में जाते हैं। मनोहर जल छलकता है, फिर उसे किसी के पसीने का निशान दिखता है, वह समझ जाता है। फिर वह उस निशान का पीछा करते हुए एक कब्र तक पहुंच जाता है। मोहन कब्र के पास आकर जल छिड़कता है। कब्र से अजीब अजीब सी आवाजें आते हैं। विक्की बहुत डर जाता है। मुझे लगता है कि श्रापित प्रेरित आत्माओं ने रॉकी को एक कब्र के अंदर बंद कर दिया है, हमें जल्दी से इसे निकलना होगा। तुम भी पवित्र जल आसपास रखते रहो, इससे हमें वो प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूं। मोहन उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है, अंत में वह कब्र खुल जाती है। उसके अंदर रॉकी लथपथ बेहोश पड़ा होता है। मनोहर रॉकी को लेकर हॉस्पिटल जाता है, उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। उस दिन के बाद मनोहर उस घर को छोड़कर शहर से दूर एक दूसरे घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने लगता है।